students, I welcome you all in this beautiful session on this amazing platform known as GoPrep. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप सब लोग? So बच्चों, आज के session में मैं आपके साथ में D&F block पे एक mentee quiz conduct करूंगा, especially for those students जो अभी 12th में हैं और इस साल भी exam देना चाहते हैं या next year जो जिन्होंने drop किया हुआ है. So hope कि आपको session बहुत पसंद आएगा. So जल्दी से मेंटी पे आ जाइए. मेंटी एक प्लेटफॉर्म है क्विज कंडक्ट करने के लिए, www.menti.com और कोड होगा 3643150. उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे. डी एंड एफ ब्लॉक पे हम क्विज करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ. चलिए, सो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. YouTube के साथ साथ एक एडिशनल साइट खोलिएगा जहाँ पे www.menti.com और कोड यूज करिएगा 3643150. D&F ब्लॉक पे क्विज है और उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन में आके बेनिफिट उठा पाएंगे. यस गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. सबका बहुत बहुत वेलकम है. आदिब, शानू, वंश, वेरी गुड इवनिंग. राधिका, नागार्जू, राहुल, कुमारी, निशा, नीट, आशीष वर्मा, फसीला सिंह, इश्प्रीत बहुत दिन बाद दिखाई दी. शानू, चलिए काफ़ी लोग आ गए हैं तो स्टार्ट किया जाए. यस वंश, ठीक है. ओके वंश, इरफान, ईशान, ठीक है. तो काफी स्टूडेंट्स हैं गाइस. सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आप सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे. जैसे जैसे आप मेंटी से जुड़ते जा रहे हैं, मेंटी के साथ साथ यूट्यूब पे भी आ जाइएगा एक बार सेशन को लाइक करने के लिए, है ना? ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने. फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन है, द ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट रेगुलर बिकॉज रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबिलिटी, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3p ऑर्बिटल बोथ ए एंड बी. ट्रांजिशन एलिमेंट का, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो रेगुलर क्यों नहीं होता? रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबिलिटी, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ द 3p ऑर्बिटल बोथ ए एंड बी. गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेंटी पे आएँ और जो मेंटी पे एक बार यूट्यूब पे सेशन को लाइक कर दें तब मेंटी से जुड़ें. यस, बहुत अच्छे, आप दोनों पे आइएगा तभी मैं आपको आंसर बता पाऊंगा. आप YouTube और मेंटी दोनों पे रहिएगा तभी मैं आपको अच्छे से आंसर एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ओहो, ओनली 9 स्टूडेंट्स, 44 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है. 9 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है. देखते हैं कि उन 9 स्टूडेंट्स में से टॉप में कौन है. टॉप 10 तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे हमारा आज. यस, टॉप 10 का तो मतलब ही नहीं है. इशप्रीत सिंह, क्रैक, नीट, सत्यम, एंजॉय एवरी मोमेंट, टाइलर शिफ्ट, ज्योति, संभव, दीपक मिश्रा, राणा दुग्गुवती एंड दिग्वांशु. ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्वेश्चन को आपको बता दूं. भाई होता क्या है यार कि आपके पास जनरली 3D के ऑर्बिटल्स हैं और 4s के ऑर्बिटल हैं, तो जैसे ही आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना तो यहाँ की जो एनर्जी है इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑल्टर कर जाती है. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ना वो चेंज होती चली जाएगी और उसका कोई भी एक रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा. ओके, उसका रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा तो आंसर डी नहीं होगा. हाँ, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी नहीं है. अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे ही जाऊँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे जाऊँ तो सेकेंड हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आनी चाहिए? फर्स्ट हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिंक की. ओके, क्योंकि ये आपके पास 3d10 4s2 है तो आपके पास में सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? Mn की. वो क्या होता है? 4s2 3d5, बट दैट्स द रॉन्ग. सेकंड हाईएस्ट तो किसकी है? आयरन की है.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d, इसलिए कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं आता। ओके, रेगुलर ऑर्डर नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी मान लेते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपैरिजन में यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डर में, कोई फिक्स ऑर्डर में यूज़ नहीं करते, है ना, उसको स्पेसिफिक कंपैरिजन में यूज़ कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे लोवेस्ट होगी, ए बी सी डी बताइएगा। यस यस गाइस, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं सी। गाइस दोनों स्क्रीन ओपन कर लीजिएगा, यूट्यूब की भी और मेंटी की भी। यस, टाइम अप एंड आंसर, आंसर है निकल। यस, आंसर है निकल, निकल इज द आंसर। लोवेस्ट, सबसे हाईएस्ट फर्स्ट होती है जिंक की, फिर होती है आयरन की, फिर होता है कोबाल्ट, कॉपर की भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 3D10 का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द 3D। ओके, तो कॉपर की लोएस्ट नहीं होगी, 4s1 से कॉपर की लोएस्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, इशप्रीत फर्स्ट पोजिशन पे मेंटेन करते हुए, महेश बाबू सेकेंड पोजिशन पे चले गए हैं, संभव, साई सिद्धार्थ, सत्यम साई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन है, डी ब्लॉक सबसे टफ इसीलिए माना जाता है यार, डी ब्लॉक सबसे टफ इसीलिए माना जाता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का सिक्वेंस बताना है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का सिक्वेंस बताना है। ए, मैग्नीज की ज़्यादा होगी क्रोमियम से, मैग्नीज की ज़्यादा होगी आयरन से, जिंक की ज्यादा होगी कॉपर से, या ऑल ऑफ दीज। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस की ज्यादा होगी, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यदु लांबा बेटा नमस्ते, कैसे हैं आप, कैसे हैं यदु, क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीज की ज्यादा होगी क्रोमियम से, मैग्नीज और आयरन, जिंक और कॉपर, एंड ऑल ऑफ दीज। गाइस सिलेक्टेड क्वेश्चंस आर देयर, सेशन में कंप्लीट रुकिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्टी फाइव, यस ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है, यस आंसर डी होगा, यस आंसर डी होगा, यस आंसर डी होगा, ग्रेट गाइस ग्रेट। हाँ, किस्मत गिल, 1 मिनट का टाइम है और हम इसमें 1 मिनट का टाइम ही शायद ऑटोमेटिक सेट होता है। हाँ वंश, यस ठीक है, जल्दी से बात करेंगे। डी, यस डी आंसर है, डी आंसर है, ऑन द बेस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ऑन द बेस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आंसर इज डी। हाँ यदु, अच्छा 3 को जेई है सेकेंड शिफ्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है यदु, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, आपको इतना मेहनत से पढ़ाया है हमने, तो आपका सिलेक्शन उम्मीद करते हैं जरूर होगा, बहुत अच्छे कॉलेज में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फेमस क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इतिशा करेक्ट है, डॉक्टर प्राची। गाइस मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेंटी पे आके आंसर दें, 3643150, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, दूसरा आपकी प्रेजेंस को शो करता है कि आप सेशन को पसंद कर रहे हैं। राम धवन, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है बिल्कुल, ठीक है
संभव जैन, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप लास्ट 20 से 25 ईयर के क्वेश्चन, लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो सारे सारे के सारे गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यस आंसर इज जिंक, Zn+2 होता है। सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो याद रखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो इसका मतलब आप DNF ब्लॉक से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। भैया विवेक राणा जी कौन आ गए मेरे नाम से, कौन कौन क्विज बना के काम कर रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, नाम डूबो मत देना, टॉप पोजिशन पे जाना, ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए करेक्ट हो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस बताना है आपको, मुझे तो दिख गया आंसर, आपका देखना है कि आपको दिखा या नहीं दिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, गाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ओके इस बात को सोच लीजिएगा। क्वेश्चन आप परफॉर्म कर पाओगे तो आप पता लग जाएगा कि आप इस साल भी DNF ब्लॉक से क्वेश्चन करेक्ट करने जा रहे हैं या नहीं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो जिनसे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्विज अच्छी लग रही है, सेशन को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप फैला दें इस बात को कि ये बेस्ट चैनल है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आधे मिस क्लिक हो गया तो ठीक। सो टाइम अप होने वाला है, शानू लाइक 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 डिसलाइक, शानू चौहान या 62 में से 26 लोगों ने आंसर करेक्ट किया है। जरा मैं पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं एक बार, एक्सप्लेन कर दिया जाए। यहाँ पे Fe+2 आएगा 3d6, इसके पास में 4 अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आएगा 3d5 4s1, यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। या Fe+3 आएगा आपके पास में 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये आएगा आपके पास में 3d6 4s1, और ये भी आपके पास में 5 अनपेयर्ड होंगे, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास में आएंगे बी में। सो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। अमन तो मैं तो डेली MNT ले रहा हूं शाम को जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो रहा, और मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में 50% से ज्यादा लोग क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आसान क्वेश्चन में भी 50% लोग घूम जा रहे हैं। और मेंटी में चेंज आया है, संभव जेई सेकंड पोजीशन पे आ गए, साई सिद्धार्थ, डेलाइट हमारे पास में फोर्थ पोजीशन पे, दीपक मिश्रा, जॉयल, सत्य राय, डॉक्टर प्राची, विकास बेहरा भी आ गए हैं जल्दी जल्दी, वो बहुत विकास बेहरा भैया पता नहीं कब ऊपर चले जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है यदु, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M2 पॉजिटिव M विल डिपेंड्स अपॉन, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा? आयनाइजेशन एनर्जी के सम पे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑल ऑफ दीज। तो कोई भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस केस में किस किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के सम पे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाइड्रेशन, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सोच के बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आराम से जवाब दीजिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M2 पॉजिटिव M विल डिपेंड्स अपॉन IE1+IE2, डेल्टा एच एटोमाइजेशन, हाइड्रेशन, ऑल ऑफ दीज। ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया, बस लगे रहिए क्वेश्चंस के अंदर। और 51 स्टूडेंट्स का यार, 62 में से 51 मतलब फोड़ दिया, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। सब पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन पे भी, हाइड्रेशन पे भी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे भी, इन सब पे डिपेंड करेगी जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तो करेक्ट है,
कुंज मोहन पी के, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बाकी लोग भी दे दीजिए। यहाँ पे हमारे पास कुंजू मोहन पी के हैं, उनका आज जन्मदिन है, ये भी हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं। शाबाश बेटा, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऊपर वाला आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। कुछ बहुत बड़ा चेंज मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है। तनुश्री एन आ गई हैं टॉप 10 के अंदर, तो बहुत बढ़िया तनु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहे अमंग द फॉलोइंग आयंस विच इज कंसिडर एज मोस्ट स्टेबल M2 पॉजिटिव स्टेट, मतलब डाइवेलेंट कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डाइवेलेंट कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डाइवेलेंट कैटायन में सबसे स्टेबल कौन होगा? कैसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कंपेयर करके बताइएगा कि डाइवेलेंट कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अमंग द फॉलोइंग आयन विच इज कंसिडर एज मोस्ट स्टेबल इन M2+2 स्टेट। ओके अमीशा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन टाइम से आता रहेगा। और गाइज उम्मीद करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्विज को एंड तक देखेंगे, और जितने भी नए लोग जुड़े हैं हमसे वो लाइक जरूर करेंगे सेशन को। हाँ जी, अमंग द फॉलोइंग आयन 26 में से 26 लेस देन 50% का आंसर करेक्ट है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को एक बार करा देना चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए आपको मैंने हमेशा एक सिंपल सी बात समझी है कि यार M+2 से M जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब यहाँ पे क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। मैं कहता हूँ, मैं सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि यार मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो मतलब मेटल आयन स्टेबल नहीं है, है ना, और M+2 इज लेस स्टेबल, तो उल्टा हो गया। ओके तो हम कहेंगे यार लो एस आर पी, जिसका एस आर पी लो होगा वो M+2 में मोर स्टेबल होगा, वो M+2 में मोर स्टेबल होगा। तो यार सबसे लो किसका है, सबसे लो वैल्यू कौन सी है? -1.63, -1.11, -0.9, 1.80 सबसे लो वैल्यू है -1.63, तो इसलिए आंसर आ गया ए। ओके ए, और लीस्ट स्टेबल है M+2, मोस्ट स्टेबल है Ti+2 ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, आंसर ए आएगा। लेटर बोर्ड पे देखते हैं क्या पोजीशन में चेंज आया, चेंज तो आना चाहिए। और गाइस जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, बड़ी मेहनत से आपके सामने। और मेंटी पे आ जाएं, और मेंटी कोड है 3643150, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। यस तो कुछ चेंज है, लुलू कमाई आ गए हैं, बड़ा प्यारा सा नाम है BSD के, और वेंकटेश, ये 4-3 डॉक्टर एविल, ये लास्ट 4 मुझे टॉप 10 में दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे नाम सेम हैं। आदित्य राज, दीपक, डेलाइट, संभव, साई, नीट, इशप्रीत। ओके इशप्रीत हमेशा अच्छा करती है, बहुत बढ़िया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं गाइज, मैंने सबको बता दिया था इसका आंसर। ठीक नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 पॉजिटिव M फॉर निकिल इज एबनॉर्मल बिकॉज ऑफ, निकिल का कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एबनॉर्मल आता है, निकिल आता है, कॉपर आता है ना, एबनॉर्मल है, जिंक है, ये एबनॉर्मलिटी शो करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, क्यों करेगा? हाई Ie1+Ie2, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Ni+2, बताइएगा। यस अच्छा इशप्रीत, आप इनऑर्गेनिक में सिर्फ अच्छा करते हैं, नहीं नहीं आप ऑर्गेनिक में भी मैंने कभी देखा है तो अच्छा ही है। ठीक चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर, सारे लोग बताइएगा यार, सारे लोग आंसर दीजिए।
और ये मुझे 57 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निखिल का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। निकिल की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी इसका कॉज आता है। फेमस क्वेश्चन है, बार बार और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनके अंदर तो आपकी, हाँ, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, इन क्वेश्चंस में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई चेंज मुझे मेंटी में, तनुश्री, सत्यम राय जो नए स्टूडेंट आए हैं, और वेंकटेश, हर क्वेश्चन पे दो तीन स्टूडेंट जाते जा रहे हैं मेंटी से, और दो तीन स्टूडेंट आते जा रहे हैं, तो मतलब कंपटीशन बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, आप रिफ्रेश कर लीजिए अगर आप 15 क्वेश्चन पे ही हैं। द स्पीशीज विच इज पैरा मैग्नेटिक, इनमें से ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो पैरा मैग्नेटिक है, बताइएगा। सी आर पॉजिटिव, जेड एन प्लस टू, सी यू पॉजिटिव एंड एम एन ओ फोर नेगेटिव। बहुत मतलब इसको ना इजी पीजी, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, हलवा वाला क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल देखते ही हो जाना चाहिए यार, कहीं कोई टेंशन नहीं आए इस क्वेश्चन में। सारे स्टूडेंट्स करेक्ट करिएगा। राधिका, राधिका व्हाट्स द प्रॉब्लम? वंश, वंश नो प्रॉब्लम, वंश कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस वाकई में एक एक क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत दिखाता है यार। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करे ही होंगे ना, आज उसी का टेस्ट ले रहे। द स्पीशीज विच इज पैरामैग्नेटिक, एंड 33 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। 33 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। यस, सी आर पॉजिटिव है। ये सी आर प्लस वन में, सी आर प्लस वन के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सारे के सारे है ना। यस, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस्मत गिल, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, अभी कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज रेडियो एक्टिव इज, हाँ जी बताइएगा, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है दैट इज रेडियो एक्टिव इज, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज रेडियो एक्टिव इस PMGDLUSM, कौन सा इनर, ठीक है, PMSU GD गैडोलियम होता है, LU ल्यूटिटियम होता है, SM समेरियम होता है, और PM हमारा PM होता है प्रोमिथियम, PM होता है प्रोमिथियम। स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए इंक्लूड किया है मैंने। एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, आपको आंसर देना है। यस वंश, स्पेशल केस है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, सब लोगों ने वोट कर दिया है। 55 में से 34 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बिल्कुल प्रोमीथियम आंसर है, क्योंकि 4F सीरीज में सिर्फ अकेला ये एलिमेंट ऐसा होता है ना, 4F और 5F है ना, लेंथेनॉइड्स के अंदर ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो इस क्वेश्चन, इस केस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस होने वाला है गाइस। अब अगर सेशन अच्छा लग रहा है, और जो लोग हमसे लेट जुड़े हैं उन लोगों से लगातार एक अपील रहती है कि सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बेटा, शाबाश। और एटलीस्ट ये लाइक्स के नंबर 100 तक तो पहुंच जाएं। चलिए,
तो विकास बेरा दोबारा से आ गए हैं, कुमारी निशा, चलो डॉक्टर एविल, वेंकटेश, सब कुछ, इश्प्रीत तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए, और साई सिद्धार्थ भी, संभव जय, दीपक मिश्रा, टॉप 5 में कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, और लगातार लीड बरकरार रखते हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फिर से आसान सा क्वेश्चन, द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन है ना, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? जिरकोनियम एंड येट्रियम हैव अबाउट द सेम रेडियस, जिरकोनियम एंड बी हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिरकोनियम हॉफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। अच्छा, और ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल, फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है गाइस, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, और जितने भी लोग लेट जुड़ रहे हैं वो मेंटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोड है 3643150। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और टिके, बहुत जरूरी है, लोग तो बहुत आ जाते हैं पर कंटिन्यू नहीं करते पूरा सेशन। यस, 53 में से 48 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया आपका रेस्पॉन्स देख के कि आप लोगों को आता है ये क्वेश्चन। जिरकोनियम हॉफनियम का साइज सेम होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि जो हॉफनियम है, हॉफनियम में 4F14, हॉफनियम में 4F14 सब शेल मिलेगी, एफ सब शेल, फुल्ली फिल्ड एफ सब शेल प्रेजेंट है, जिसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। ओके, इसलिए इफेक्ट जेड इफेक्टिव रिलेटिवली बढ़ जाता है, और साई सिद्धार्थ रेड्डी फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर करते हुए, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया गाइस, और बस यही उम्मीद करते हैं, ऐसे ही छाए रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कमाल है, कमाल है भाई, पोजीशन चेंज हुई है दिखाए मुझे, फिर से एक बहुत फेमस क्वेश्चन, फिर से एक बहुत फेमस क्वेश्चन, अमन इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज CeOH होल थ्राइस, LuOH होल थ्राइस, YbOH होल थ्राइस, PmOH, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होने वाला है। चलिए मैं चाहता हूं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दें, वंश शर्मा थैंक यू वेरी मच, और बेटा आपका प्यार और आपका अप्रिशिएशन तो मुझे लगातार मिलता रहता है। इश्प्रीत कह रहा है मैं अपनी पोजीशन वापस लेके रहूंगा, दैट्स, ये होता है कॉन्फिडेंस यार, ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, राम धवन के बेटा जी, कुंज मोहन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है नोट कर लिया, वैसे सारे चैप्टर इंक्लूड करने हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू सुदल्यानी। चल, सो आंसर, आंसर बिल्कुल सीई। देखो मैं आपको इसका आंसर एक बार, अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं, जब आप लेंथेनॉइड से, लेंथेनम से ल्यूटीटियम की तरफ जाते हैं, साइज डिक्रीज करता है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का साइज क्या, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन से साइज लगातार डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है ना, साइज डिक्रीज करता है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा, मतलब इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिएगा कि बेसिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन अक्सर पूछता है ना, बेसिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। केदार अभी डिसाइड नहीं किया, संडे डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीक में क्या पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, द एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मिश मेटल, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, द एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मिश मेटल इज लेंथेनम, आयरन, सोडियम, सीरियम, ऐसा कौन सा एलिमेंट है। हाँ, वाई संडे को तो कोई लेक्चर नहीं हो पाएगा, संडे को तो लेक्चर नहीं होगा, मंडे को हम मिलेंगे आपसे, है ना, मंडे को मिलेंगे। कह रहे द एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मिश मेटल इज लेंथेनम, आयरन, सोडियम, सीरियम। बहुत ही आसान है यार, मिश मेटल एप्लीकेशन है लेंथेनम की,
मतलब लेंथेनॉइड्स की, बुलेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। यदु मैं नीट सेक्शन देख रहा हूं आजकल, तो मैं वहां पे यह समझ डन। और 27 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सोडियम। सही बात है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वहां पे कोई काम नहीं आता उसका। लेंथेनम होता है, सीरियम होता है, आयरन होता है, सोडियम प्रेजेंट नहीं होता, सोडियम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, सोडियम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। और मुझे लाइक्स के नंबर पहुंचे हैं हमारे 77 एंड 23 की अभी कमी है। तो गाइस मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं, आप लाइक के नंबर आगे बढ़ाइए। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़ते जा रहे हैं वो, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है ओके, तो बचा ऐसा है जो इसने आजकल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ओके स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनॉइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकंड का आंसर का टाइम दूंगा, बस मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। थैंक यू भाई, मैं नाम भी नहीं पढ़ पाता फिर, ठीक। एंड टाइम अप, इससे टाइम नहीं मिलेगा इसके अंदर। अच्छा बाकी लोग बताते आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मुझे लगा यार 30 सेकंड के अंदर सब कर देंगे यार, मुझे उम्मीद थी कि 30 सेकंड के अंदर सब कर देंगे। मेंटी कोड अगर कोई भी अभी ज्वाइन कर रहा है तो 3643150 है, और सारे स्टूडेंट मेंटी में भी आ सकते हैं, ईजी पीजी है बिल्कुल। फिर भी 60 सेकंड का टाइम ले लिया, 60 सेकंड से पहले सब लोगों ने आंसर नहीं दिया मुझे, सब लोगों ने 60 सेकंड से पहले आंसर नहीं दिया। और टाइम अप हो गया है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है। 53 में से 39 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है। प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मोस्ट कॉमन है। और कोई चेंज आता दिख रहा है क्या? ना, कोई चेंज आता मुझे नहीं दिख रहा। विकास बेहरा धीरे धीरे ऊपर जाता हूँ अपनी पोजिशन मेंटेन करते हुए। इशप्रीत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो साई सिद्धार्थ को रिप्लेस करना फर्स्ट पोजिशन से। हाँ तो थोड़ा सा और फास्ट करिएगा आंसर। ओके और यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, टेस्ट है किसी चीज का। व्हेन इनिशिएटेड मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेड वेपर। तो आपको पता लग गया कि यार रेड वेपर एक कलर टेस्ट होता है ना, एक टेस्ट है किसी एक आयन का टेस्ट है। तो वो रेड वेपर किससे प्रोड्यूस होती हैं, वो रेड वेपर्स किससे प्रोड्यूस होती हैं? ओके हाँ जी सिद्धू, यदु मैंने इसको नोट कर लिया, आई ट्राई माई बेस्ट है ना। तो गाइस मेंटी पे आके आंसर दीजिए और सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, सेशन को पूरा अटेंड करिएगा। हाँ और ये लाइक्स के नंबर कम से कम 100 तक तो पहुंचाने हैं, वैसे मैक्सिमम लोगों ने तो कर ही दिया है। ठीक है 29 क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोला जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में, कहां था ये? CrO2Cl2 Cl नेगेटिव आयन का टेस्ट होता है, क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 है ना। ये रेड वेपर प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं जो मुझे आपसे मैं आज डिस्कस करने आया हूं। ओके कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कोई भी चेंज मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तनुश्री आई हैं, डॉली, कुछ लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी भी काफी क्वेश्चंस बाकी हैं।
अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं। कह रहा है सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव, सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव प्लस एक्स एसिडिक मीडियम में सी आर प्लस थ्री प्लस एच टू ऑक्सीडाइज हो रहा है एक्स। कह रहा है एक्स इन द अबव रिएक्शन कैनॉट बी, मतलब आपके पास चार ऑप्शन है, पूछ रहा है इन चार ऑप्शन में से एक्स कौन नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चिंदना महापात्रा, बेटा महापात्रा ये एक छोटा सा चैनल है, ये एक छोटा सा लेक्चर है, किसके लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ पे हम एक्टिविज्म ना करें, बिल्कुल हमारी भी उम्मीदें हैं कि एसएसआर को न्याय मिले और सच सबके सामने आए, बट इट्स अ डिबेटेबल इशू। तो मैं चाहूँगा कि हम स्टूडेंट बने रहें, मैं टीचर और आप स्टूडेंट बने रहें इस चैनल के अंदर, ओके। चलिए, तो मैंने ऐसा नहीं किया, आपके कमेंट को रेस्पेक्ट नहीं किया, रेस्पेक्ट किया, मैंने उस पर पॉइंट भी रखा, अब इस पर बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए, सबके सब लोग आ गए, मेंटी पे आंसर दे दिया भाई, बहुत कम आंसर है, 50 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, 20 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं, फिर हम मेंटी में देखेंगे क्या है। भाई देखो, ये जाता है प्लस सिक्स से प्लस थ्री, एन फैक्टर 12 होता है। अब किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, माइनस थ्री, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सीओ टू में। आयरन को प्लस टू से कहाँ पे लेके जाएगा, प्लस थ्री में। एसओ फोर ऑलरेडी प्लस सिक्स में है, क्या रखेगा, प्लस सिक्स को प्लस सिक्स में ही रख सकता है। आयरन सल्फर में प्लस सिक्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो उसको नहीं कर पाएगा। एस टू नेगेटिव को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, है ना, एस टू नेगेटिव को सल्फर में कन्वर्ट करके माइनस टू से कहाँ जाएगा, जीरो। तो जो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, दैट्स वाई आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, है ना। चलिए, एक दो क्वेश्चन के बाद डिफरेंस कम होता दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है बेटा, मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस रखें। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, ए एंड बी, ओनली बी, ए एंड सी, ए बी सी। ठीक, मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए जल्दी से आंसर दीजिए। एकम बुल्लर, क्वेश्चन पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, और जितने स्टूडेंट मेंटी पे थे मेंटी बने रहो। और मैं, हाँ, और मैं इस पॉइंट पे फोकस करूंगा कि सेशन के सेक्शन को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते मजे लीजिए और लाइक्स के नंबर 100 के पार पहुंचाइए, जिससे मुझे भी मजा आए, है ना, मुझे भी अच्छा लगे। ओके, 49 में से 35 स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट दिया है, और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। रमेश चंद, ओके, आप ही डॉक्टर एविल हैं तो समझ में आ गया रमेश। हाँ, प्रत्युष भी तो था इसमें एक बार। डॉक्टर बानू, नहीं डॉक्टर प्राची, ठीक है डॉक्टर प्राची, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे, सबसे पहले करना है अगली बार तो ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, इनमें से ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो बेसिक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, प्रत्युष, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, डॉक्टर एविल, विवेक प्रताप सिंह कभी थे हम वहां पे, अभी तो बस मेंटी पे ध्यान दीजिए। हाँ, कमेंट में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, आपका क्या है मैं आपको आंसर दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, सी आर ओ, सी आर टू ओ थ्री, सी आर ओ थ्री एंड सी आर टू ओ फोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से। मैं चुप हो जाता हूं,
है ना, यही सही रहेगा। एकदम भुल्लर वो एसिडिक है जो तुमने आंसर दिया है। चलो 51 में से 24 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, 51 में से 24 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, और मैं इस क्वेश्चन की तह तक जाऊंगा, पूरी इसकी तहकीकात की जाएगी। सी आर ओ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस थ्री है, प्लस सिक्स है और प्लस टू है, तो ये आपका क्या होगा, बेसिक है सबसे, है ना। हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर, ये आपका एम्फोटेरिक होगा और सी आर ओ थ्री एसिडिक होगा। सी आर ओ थ्री क्या होगा, एसिडिक होगा। सी आर ओ थ्री क्या होगा, एसिडिक होगा। सी आर ओ बेसिक होगा। तो भाई क्रोमियम की जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती चली जाती है तो वो इसके अंदर ठीक है प्लस, सॉरी सी आर टू ओ फोर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, प्लस फोर में जाएगा, तो आपके पास आ गया प्लस टू प्लस थ्री एम्फोटेरिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है और ये एम्फोटेरिक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर ए होगा, यस गाइस आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। साई गायब कहाँ हो गया, डॉक्टर एविल नहीं है इसके अंदर, नीट आई के आ गए हैं भैया। विकास अपनी पोजीशन पे थोड़ा सा ऊपर जाते हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब सॉल्व करते हुए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए, ओके। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन फाउंड टू बी 5.92 bm, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज। द मैग्नेटिक मूवमेंट ट्रांजिशन मेटल्स का मैग्नेटिक मूवमेंट है 5.92 bm, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आप इसका फॉर्मूला निकाल के देख लीजिएगा आपका क्या होता है और उसको यहाँ पे अप्लाई करिएगा, फॉर्मूला निकाल के अप्लाई करिएगा। यस ये दो सिंपल क्वेश्चन है, हाँ गौर सर की याद आ गई यदुलंबा, सिंपल देख के सुन के। अच्छा किस्मत गिल 1.2 सेकंड में सॉल्व कर दिया था, क्या बात है यार, पर अभी तक भी लॉक करते जा रहे हैं और सब लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, ठीक है। 38 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, 5 आएगा द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 आएगा, बहुत बढ़िया, आप कुछ भी कहते रहो इस तरह से। तो नेक्स्ट क्या बात है इशप्रीत, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, चलिए बहुत बढ़िया। वेंकटेश ऊपर बढ़ते हुए, आदर्श वार्षने, कुमारी निशा, निशा जी फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गई हैं, शाबाश निशा, ऐसे ही लगे रहो, संभव अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर एविल भी आ गए, हाँ जी प्रत्युष भी आ गए हैं टॉप 10 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन के कॉन्सिक्वेंसिस क्या हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड इज डिफिकल्ट, कि लेंथेनॉइड्स को आपस में सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू द लास्ट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड, साइज ऑफ जिरकोनियम हॉफनियम एंड जिरकोनियम इज डिफरेंट बोथ ए एंड बी। कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 और 3, तो मैं चाहूंगा कि मेंटी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें आप लोग, सेशन को एंड सेशन में एंड तक बने रहें, ओके हाँ। अमन सैयरा है, तुक्का मारना बंद करो, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा, फिर एग्जाम में आएगा वहां तुक्का नहीं चल पाएगा तो -1 हो जाएगा मार्क्स। चलिए हम चाहते हैं बिल्कुल कुंजुमन 52 में से 36 स्टूडेंट्स का सही है भाई, सही बात है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन से लेंथेनॉइड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेंथेनॉइड का आइसोलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को डिसेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साइज के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो लेंथेनम से ल्यूटीटियम की तरफ क्या करता है, डिक्रीज करता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एन फैक्टर ऑफ KNO4 इन न्यूट्रल मीडियम इज, एन फैक्टर ऑफ KNO4 इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर क्या होगा KNO4 का? 6543। 30 सेकेंड से पहले आंसर दे दो डॉक्टर भानु। ओके आदिम वापस आ गए, किस्मत किस्मत, कोई बात नहीं चलता रहता है यार, दिल पे मत ले यार, है ना, बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वो एक जनरल बात है कि तो क्या नहीं मारनी चाहिए। एन फैक्टर ऑफ KNO4 इन न्यूट्रल मीडियम, सब आंसर करेक्ट नहीं कर रहे हैं यार। एन फैक्टर ऑफ KNO4 इन न्यूट्रल मीडियम इज क्या होगा? एन फैक्टर KNO4 का न्यूट्रल मीडियम में, ओके 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 में से 19 का आंसर करेक्ट है, पता नहीं क्यों 19 का आंसर करेक्ट है। मैं इसका आंसर देता हूं आपको जल्दी से, क्योंकि सबको नहीं आता, अब जब सबको नहीं आता तो टीचर को तो बताना पड़ेगा ना कि क्या होता है। देखो MnO4 किस में होता है, +7 में, पहली बात बताऊँ एसिडिक में जाता है Mn+2 और +7 से +2 एन फैक्टर 5 है। न्यूट्रल में जाता है MnO2, +7 से जाएगा +4 न्यूट्रल में, न्यूट्रल में एन फैक्टर 3 होगा, और बेसिक में जाएगा MnO4 नेगेटिव से MnO4 2 नेगेटिव, और +7 से जाएगा +6 में एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक, कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है ना कि कुमारी निशा थर्ड पोजीशन से, सॉरी फोर्थ से थर्ड पोजीशन पे चली गई है, सिंसियरिटी इसी को कहते हैं। यस नेक्स्ट, यस कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हो सकता है हर्ट वर्क दिल दिल से फैन की आवाज हो, पर मुझे लग नहीं रहा, थोड़ी बहुत नॉइस हो जाती है। K2Cr2O7 +I- +H+ ऑक्सीडाइज करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बताइए। NCRT के अंदर प्रेजेंट है कि K2Cr2O7 +I- +H+ ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ क्या बनाएगा, KIO3 I2 I3 नेगेटिव एंड CR2O3 क्या फॉर्म करेगा? जितने लोगों को आंसर देना था तो दे चुके होंगे, है ना, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए गाइस, क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का आंसर देना है, मतलब आयोडीन को किस में कन्वर्ट करेगा ये बताना है आपको, आयोडीन को किस में कन्वर्ट करेगा ये बताना है आपको। मेरा मन कर रहा मैं आंसर ही बता दूं यार, इतने आसान आसान से क्वेश्चन है, जबकि सबके लोग नहीं करेक्ट कर पा रहे, सबको करेक्ट करना था यार, ये बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन अच्छे लगे चाहे बुरे लगे। 46 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, आंसर होगा I2, आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट करता है ना, I2 में कन्वर्ट करता है। विकास कुछ चेंज आ सकता है आपकी पोजीशन में, विकास फोर्थ पोजीशन पे चले गए, सिंसियरिटी के साथ बढ़ता गया स्टूडेंट, और एंड तक आते 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 उसने दिखा दिया, है ना, पहले टॉप 10 में आया फिर टॉप 4 में आया। जो चेंज जो मेजर चेंज दिखाई देता है मैं उसके बारे में जरूर बताता हूँ। राधिका आंसर I2 आएगा बेटा, हाँ रमेश आंसर आएगा, प्रत्युष आंसर आएगा आई नेगेटिव से I2 में कन्वर्ट करेगा। सो गाइस सारे लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सेशन को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल हम एंड पे हैं सेशन के, और सारे लोग मेंटी पे ही बने रहें, और क्या पता आप फिर से टॉप 10 में आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इनमें से कौन सा चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, है ना, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो कलर कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, कलर जनरेट करेगा चार्ज ट्रांसफर की हेल्प से। इसप्रीत वो हिडन है, नेक्स्ट मेंटी के टॉपिक अभी नहीं, नेक्स्ट मेंटी के टॉपिक ऑर्गेनिक फिजिकल से लेंगे, फिजिकल से बस इतना बता सकता हूं।
फिजिकल से लेंगे, चार्ज ट्रांसफर से। बहुत स्पेशल केस है, बहुत 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 स्पेशल केस है। डी आंसर होगा, यस डी आंसर होगा। सारे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पे लिखा होगा। K104, K2CR27 एंड CU2O सबके अंदर डी जीरो है या डी टेन है, फिर भी ये कलर शो करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल आयन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मेटल आयन के बीच में चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, इसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। ओके अच्छा कोई यार एंड में आते आते कोई बच्चा मुझे नया दिख रहा है, रोमियो एंड रोजा, शाबाश। कोई देखो यार ऐसे चेंज आ जाते हैं। और प्रत्युष भी अपनी पोजीशन पे, नाइन्थ पोजीशन पे आ ही गया है, क्लियर, अच्छा लगा। ठीक, अब क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, इनमें से कौन सा पेयर पेयर एक साथ एग्जिस्ट कर, एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, कैन बी एग्जिस्ट। द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, कहीं कुछ मिस्टेक ना। नीट आई के आज तक टेलीग्राम लिंक तो बनाया नहीं, पर जल्दी बताते हैं आपको, एक बार संडे को बैठ के इसी पे काम करते हैं। स्प्रिट मुझे लगता है कैनॉट एग्जिस्ट, चलो देखते हैं। एच जी सी एल टू एस एन टू भी नहीं आ सकता, एफ सी एल थ्री एस एन सी एल टू एफ सी एल थ्री भी आई, लेट सी। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। कैन एग्जिस्ट, मैं इसको एक बार ठीक एक मिनट यार, कंपाउंड कैन एग्जिस्ट Fe, अगर आपने HgCl2 SnCl2 की आपस में रिएक्शन करी तो मैं कुछ कंपाउंड्स बता सकता हूं कि यार ये Hg प्लस SnCl4 2 नेगेटिव बना लेता है, है ना। ऐसे ही आपका FeCl3 के अंदर भी ये FeCl2 और SnCl4 बना लेता है, FeCl2 और SnCl4 बना लेगा। ये आपस में एक दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके सो चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रितिका आप गो प्रेप नीट चैनल में, आप टेलीग्राम लिंक का ऑप्शन होगा, वहां पे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। आदर्श ठीक, तो साई सिद्धार्थ रेड्डी आज के हमारे टॉपर हैं, साई सिद्धार्थ रेड्डी आज की क्विज के टॉपर हैं। यस बिल्कुल एलेक्स, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एक साथ नहीं प्रेजेंट होते, बिल्कुल सही कहा आपने, एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। तो साई सिद्धार्थ रेड्डी आज के हमारे टॉपर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई, जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है, है ना, जिसमें इशप्रीत भी हैं, कुमारी निशा और बाकी लोग भी अपनी रैंक शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सेशंस के साथ बने रहिए, और मैं कब आऊँगा इसके बारे में तो आपको पता लग ही जाएगा। मैं बताता हूँ 12:30 और 6 PM अक्सर मैं मिलता हूँ, पर मैं 6 PM आपको मिलूँगा थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, जहाँ पे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है मैं मेंटी के कोई क्विजेस कंडक्ट करूँगा आपके साथ में। अब मंडे 12:30 मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए आपके साथ अलविदा, आपका दिन बहुत शुभ हो, आपके सारे सपने पूरे हों, आप इस साल ही डॉक्टर बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।